हेलो फ्रेंड्स, ये 10वां ट्यूटोरियल वीडियो है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए और इसमें हम कवर करेंगे फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आप बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम देखें या बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का एग्ज़ाम देखें, हर जगह पर फुल फॉर्म के सवाल आते हैं। 3-4 सवाल आए थे एसटीईटी में भी और उससे थोड़ा ज़्यादा सवाल आया था बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के अंदर, या कोई भी आप कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम ले लें वहाँ पर फुल फॉर्म आता ही है। तो इस वीडियो के अंदर सारा फुल फॉर्म ही कवर होगा और बाकी जो टॉपिक अपने रह गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी सब को भी कवर करेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग या प्रोग्रामिंग को कवर करने का, तो कोशिश ये है कि उसी तरह से कवर किया जाए जिस तरह से एसटीईटी का लेवल है या जो बेल्ट्रॉन का लेवल है। ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्किंग बहुत वाइड है, उसको कई तरह से बताया जा सकता है, बहुत सारे टॉपिक कवर किए जा सकते हैं, पर आर्ट इस जगह पर है कि हम उसको उसी लेवल पर लेके जाएं जहां तक बेल्ट्रॉन या एसटीईटी से सवाल आ सकता है। तो इसके बाद कोई टॉपिक नया पकड़ेंगे, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्किंग, उस पर फिर काम करेंगे। और एक एक करके मैं शुरू करता हूँ वीडियो को, सभी इमेजेस को मैं आपको दिखाता हूँ, स्लाइड्स को दिखाता हूँ और वीडियो के बीच में बात करेंगे एडमिट कार्ड पे, एग्ज़ाम होने के चांस पे और पीडीएफ पे, जो पिछला अभी कंप्लीट हुआ, उन सभी चीज़ों पर वीडियो के बीच में कहीं पर बात करेंगे। तो पहला इमेज है आपके स्क्रीन पर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 100+ है, BER बिट एरर रेट। आप चाहें इसको नोट डाउन कर सकते हैं या आप देखेंगे तब भी याद हो जाएगा, क्योंकि पहले जिन लोगों ने पढ़ा था। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, RSS रियली सिंपल सिंडिकेशन, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, S का मतलब सिक्योर, HTTP का भी आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पे, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, CARP कैश अरे राउटिंग प्रोटोकॉल, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, DAP डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल, DBML डेटाबेस मार्कअप लैंग्वेज, FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आप वीडियो को पूरा देखेंगे या इसको आप लिखते रहेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस पढ़ा है बहुत सारे टर्म उनको पहले से पता होंगे। CDMA तक हो गया था, फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बैंकों में यूज होता है ये वाला, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये नेटवर्किंग में यूज़ होता है, INSP इंटरनेट नेम सर्वर प्रोटोकॉल, MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, NFAR नेटवर्क फाइल एक्सेस रूटीन। आप देखेंगे इसको तो ऐसे भी बहुत सारे टर्म आपको याद हो जाएंगे, NSP नेटवर्क सर्विस प्रोटोकॉल, NVRAM नॉन वोलाटाइल है, उसके बाद जो RAM का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी वही है, और VRAM भी होता है, डायनामिक RAM भी होता है, PAP पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PDN पब्लिक डेटा नेटवर्क, ACD ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर, ये कॉल सेंटर में यूज़ होता है, PDP पैकेट डाटा प्रोटोकॉल। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं अपने एडमिट कार्ड पर एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी पर और PDF पे। तो देखिए, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा थोड़ी अनसर्टेनिटी है, ऐसे तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उनके जो एग्ज़ाम है JEE NEET के, उसको लेने के लिए वो फुल तैयार है, उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइन भी जारी कर दी है, पर उन पर बाकी लोगों का प्रेशर बन रहा है कि एग्ज़ाम ना कराया जाए। लेकिन STET या क्या होगा ये कल पता लग जाएगा, कल दोपहर तक चांस है कि क्लियर हो जाए, और कल दोपहर के बाद ही कोई नया टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्किंग का वीडियो जो करना होगा वो करेंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देता है बोर्ड फिर तो सही है, फिर तो मैं डेली बेसिस पर 2-3 ट्यूटोरियल करके इसको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम लास्ट में जाएगा, वो 9 तारीख को नहीं होना है, वो पेपर 2 का लास्ट में ही एग्ज़ाम होगा।
तो ये था। अब बाकी रही बात पीटीएफ की, तो अभी एग्ज़ाम में ही अनसर्टेनिटी है, तो पीटीएफ का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी कल पहले सर्टेन हो जाए कि कल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ जाए, उसके बाद पीटीएफ वगैरह पर ही बात कर लेंगे, सब हर एक पर बात कर लेंगे। तो अभी के लिए बस यही है कि इस वीडियो को एक बार देखिए, जो कुछ चीज़ें हैं याद कर लीजिए, लेकिन कल जो कुछ होता है उसी के हिसाब से आगे का हमारा प्लान तय होगा। पीडीपी पर थे हम लोग, पैकेट डेटा प्रोटोकॉल पे, पीएसटीएन पैकेट स्विच्ड डेटा नेटवर्क रिप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, यूडीएमए अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए सबने पढ़ा होगा, VOIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्काइपी इसी का एग्जांपल है, WCCP वेब कैशे कंट्रोल प्रोटोकॉल, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ADCP एडवांस डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BISDN ब्रॉडबैंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, DLL डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, DNS डोमेन नेम सिस्टम, FAT फाइल एलोकेशन टेबल, HTML हैंड हेल्ड डिवाइस मार्कअप लैंग्वेज, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP और HTTPS में सिर्फ S का फ़र्क है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, S सिक्योर है। RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स, YACC येट अनदर कंपाइलर, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML बहुत लोगों ने बहुत जगह पर एग्ज़ाम में सवाल आया है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। जितना भी मैंने अभी तक दिखाया, मेरे ख्याल में जितना HTML आया है उतना शायद ही कोई और आया है। तो ये जितना अभी फुल फॉर्म में चल रहा है, या तो आप इसको नोट डाउन कर लें, या फिर आपको इसको वीडियो को देखेंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा, जिसमें आपको सही लगे। ADCP एडवांस डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। अभी वायरस के बारे में, वायरस वॉर्म की लॉगर ये जितने भी होते हैं सबके बारे में पिछले ट्यूटोरियल में ही बात हुई थी। GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, SETA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ATDM एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, DPI डॉट्स पर इंच, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेज़र एक होता है LIFO, पता नहीं इसमें है कि नहीं, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लेज़र लाइट एम्प्लीकेशन फॉर स्टीमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। मेरे ख्याल में ये पिछले एग्ज़ाम में जो बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का एग्ज़ाम है, जहाँ तक मुझे याद आता है, MICR वहाँ पर आया था। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, BAP बैंडविड्थ एलोकेशन प्रोटोकॉल, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, SSD सॉलिड स्टेट डिस्क, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, VGA वीडियो ग्राफिक्स अरे, AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, CARP कैश अरे राउटिंग प्रोटोकॉल, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, एक होता है W3C वर्ल्ड वाइड, उसमें ये वर्ल्ड वाइड वेब वैसा ही रहता है, सी का मतलब कंसोर्टियम होता है, तो W3C आएगा तो सी का मतलब कंसोर्टियम, बाकी सभी वैसा ही है। ओरेकल ओएक रिज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन, ये कंपनी का नाम है, BSCP बैंडविड्थ एलोकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, CSS कैश कैडिंग स्टाइल शीट,
JSP जावा सर्वर पेजेस, CRT कैथोड रे ट्यूब, UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल है ये, इंटरप्ट नहीं हो रहा है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, EPS फ्रेम पर सेकेंड, MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ROM भी होता है वो, बाकी वही सही है, बस पी का प्रोग्रामेबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा 100 प्लस जो फुल फॉर्म था वो होता है, और सभी 100 प्लस जो यहाँ पर इंक्लूड गया वो सभी वही था जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अपनी साइट पर आप एक वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं सारा का सारा। तो अभी के लिए इतना ही था, बाकी कल जैसा रहा, कल अगर एडमिट कार्ड आ गया तो फिर जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल करवा के ख़त्म करेंगे, और कल जैसा भी होगा फिर आगे का प्लान करेंगे। तो पर कल एक इम्पॉर्टेंट दिन है, कल सबकी नज़रें टिकी रहेंगी, कल क्या कुछ होता है। अगर आना होगा एडमिट कार्ड तो जैसा पिछली बार हुआ था दोपहर तक आ जाता है, 12 बजे के पहले ही आ जाता है। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।